हेलो स्टूडेंट, एमडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिफ्थ क्लास की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्लास की मैथ का जो हमने पिछला वीडियो बन दिया था, उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों को हल किए थे, उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को हल करवाए थे। आज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस हमें निकालना है जब दिया जाए सीपी इक्वल टू 955। इसमें जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जो दी गई है वो दी गई है 155। ये क्वेश्चन हमें जिसमें निकालना है सेलिंग प्राइस, और फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है कि एसपी क्या है, सीपी दिया गया, प्रॉफिट दिया गया। हमने एक फॉर्मूला लगवाया था कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। हमें निकालना क्या है, एसपी को निकालना है, तो हम सीपी माइनस हिस्सा ही लेंगे। वैल्यू रख दे, देखो हमें क्या निकालना, एसपी निकालना है, तो एसपी को उधर ही बना रहने है, और सीपी को इस साइड ले आने है। तो एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो एसपी का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, हमारी जो प्रॉफिट है वो 155 है, और जो लॉस जो हमारी सीपी है वो 955। इसको हम ऐड कर लेंगे, आप 10 की 0 10 11 10 11। इतना जो हमारा आंसर आ गया 1110। इतना हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकंड सवाल है, हमें इसमें क्वेश्चन इसी का जो सेकंड है उसमें हमें निकालना है कि अब बी जो क्वेश्चन है वो सीपी दिया गया है 2005 रुपए, और जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट दिया गया है 145। ये प्रॉफिट दिया गया है, तो हमें इसमें वही से हमें क्या निकालना है, एसपी को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सॉल्यूशन, तो इसमें जो एसपी हमें निकालना है, एसपी प्रॉफिट कितना है 145 प्लस 2005। इसको हम ऐड कर लेंगे 10 की 0 4 5। कितना आ गया, 5 में 5 10 की 0 4 5 एक कितना आ गया हमारा, जो एसपी आ गया वो आ गया 2150। एसपी कितना निकला, 2150। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इससे रिलेटेड, आपको उसमें निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यही फॉर्मूला लगाना है, हमें निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस। कुछ होमवर्क है इसके लिए, यही सेलिंग प्राइस निकालना है, जिसमें जो एसपी दिया, सीपी दिया गया है वो दिया गया है 3050।
फिफ्टी, और जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है 350। अभी सवाल है सीपी मान दिया गया है, वो जो प्रॉफिट दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कि मोहन बॉट ए टेबल फोर, मोहन बॉट ए टेबल फोर 485 एंड सो ही सोल्ड इट विद प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज 75 पैसे। फाइंड द एसपी, हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। मोहन किसी मतलब टेबल को इतने रुपए में खरीदता है और मतलब प्रॉफिट के साथ उस टेबल पे इतने की प्रॉफिट लेता है, तो बताइए उसका जो सेलिंग प्राइस है उसने वाई कितने रुपए में सेल की। हमें क्या जो मतलब बाय मूल होता है, जो हमारा जो जिस हम लेते हैं कोई चीज किसी से खरीदते हैं बॉट करते हैं तो वो होता है सीपी। क्या होता है सीपी, जब हम कोई चीज किसी दुकानदार से खरीदते हैं तो वो सीपी होता है। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, हमने उस पर रुपए खर्च किए तभी उसका नाम क्या है कॉस्ट प्राइस। जो हम चीज खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी कितना है, जो सीपी है 485 और जो यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितनी दी है, प्रॉफिट है वो है 60.75 + 485 इसको हम ऐड कर लेंगे, इधर भी संख्या बीच में लिखा 0 लिख देंगे। तो अब इसको हम ऐड कर लिया जाएगा, क्या कर लिया है ऐड, तब इसको हम ऐड करेंगे तो 5 7 5 4 5 कितना आया 545 decibel 2.5 2 point। तो जी हमारा क्या निकल आया एसपी, क्या निकल आया जी हमारा निकल आया एसपी, जो हमारा जिस मूल पर कोई थिंग को बॉट करते हैं बात खरीदते हैं तो वो जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। हमें प्रॉफिट कितनी, प्रॉफिट के साथ में जो प्रॉफिट दिया गया हमें निकालना है फांटा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो लिखवाया था फॉर्मूला पीएसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, तो आप पहले सही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीलर सोल्ड ए हाउस फॉर रुपए 1,50,000 बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 8,000 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। सोल्ड ए हाउस मतलब बेच रहा है, क्या कर रहा है सोल्ड कर रहा है, तो मतलब जिस कोई चीज बेची जाती है, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो चीज हम बेचते हैं तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस, क्या होता है वो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी दिया है, कितना दिया गया है 1,50,000। अब प्रॉफिट कितने की प्रॉफिट लेता है, और जो प्रॉफिट ले रहा है वो 8,000 रुपए। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी निकालना है। हमने फॉर्मूला लिखवाए थे कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो हमें निकालना क्या है सीपी, तो सीपी को हम इस साइड ले आएंगे, तो सीपी इक्वल टू एसपी, जब प्रॉफिट उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्रॉफिट। और समझो हमारी जो वैल्यू उसको पुट करना है, सीपी निकालना है, एसपी कितना है 1,50,000 माइनस 8,000, इससे जो हमारी जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी 1,42,000, क्या आ गया ये हमारा सीपी आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था ये डीलर सोल्ड ए हाउस फॉर 1,50,000, डीलर होता है किसी मकान को इतने रुपए में बेचता है, कितने का प्रॉफिट लेता है उस पर, वो 8,000 का प्रॉफिट लेता है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब उसने वो घर कितने का खरीदा होगा वो निकालना है। तो एसपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है सीपी, तो फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, जब 1,50,000 8,000 घटाएंगे तो उतना बचेगा 1,42,000 रुपए, ये मान के निकले सीपी। अगर आपको ये क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।